झालावाड़ में अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री से एसएफसी और एफएफसी की राशि जारी करने और छठवें वित्त आयोग का गठन करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को 2 साल से राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की गई है। करोड़ों रुपए की स्वीकृति जारी होने के बाद भी वर्ष 2019-20 की राशि ग्राम पंचायतों को नहीं दी जा रही है। इसके अलावा छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं होने से भविष्य में राशि मिलने की संभावना समाप्त हो चुकी है। 24 फरवरी को जारी हो रहे बजट में ग्राम पंचायतों के लिए 5000 करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। सारी चीजें हम जब कोई छोटा मोटा काम ही कराना है तो उसके लिए बजट नहीं है। हमें नाले साफ ही करानी है तो हमें हमारे पास बजट ही नहीं है। हम कैसे पंचायतों में काम करें, सबसे बड़ी समस्या है। पानी बिजली सबके लिए, गर्मी में उसकी भी समस्या है। पानी लोगों को चलाओ तो कैसे पानी चलाओ। समस्या ये है कि पूरे राजस्थान में सभी सरपंचों की रोजुक नाजुक स्थिति हो रही है और हमारे जो भी फंड आता है राजस्थान सरकार अभी तक पंचायतों में 2 साल से कोई फंड नहीं दे पा रही है। एसएफसी या टीएफसी जो भी राशि है, तो हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा।